रक्षाबंधन का त्यौहार शैतान का वार। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। क्या मसीही रक्षाबंधन मना सकते हैं, उनके लिए सही है या गलत, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा वीडियो किसी धर्म से संबंधित नहीं है और न किसी को ठोकर पहुँचाना है, बल्कि सत्य को बताना है और वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। क्या कोई मनुष्य की रक्षा कर सकता है? क्या एक धागा ही मनुष्य की रक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता है। बाइबल हमें इस विषय में आज्ञा नहीं देती है कि तुम रक्षाबंधन मनाओ। जब किसी पर अचानक विपत्तियां पड़ती है तो वह कुछ भी बाकी नहीं रखता है। कहीं मंदिर, गुरुद्वार, पीर फकीर, बाबाओं के पास जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है और बाद में उससे भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। आज मनुष्य कुछ भी बाकी नहीं रखता है, तो क्या फायदा उस त्यौहार से? यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यीशु मसीह ही वह सीढ़ी है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचा सकती है। एक ही परमेश्वर है और वह प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ना तो लकड़ी में है और ना तो पत्थर में है, परमेश्वर तो अपने पवित्र स्वर्ग में है। आज मनुष्य रक्षाबंधन मनाता है, एक ही दिन की खुशी और सिर्फ एक ही झलक दिखाकर चला जाता है। देखिए, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, बल्कि सत्य को बताना है। लोग क्या कहेंगे, वो तो यीशु मसीह में हो गया, उसका धर्म बदल गया। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य अपनी ही हाथ की बनाई मूर्तियों के आगे सिर झुकाता है, चढ़ावे चढ़ाता है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं है। शांति केवल आपको प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति और जीवन का जल मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी प्यासा न रहेगा, वरन उसमें से जल की धाराएं बह निकलेंगी। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से 17 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। अविश्वासियों के साथ आसमान के जीव में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या नग लगाओ, या विश्वासी या अविश्वासी के साथ क्या नाता। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बाइबल में स्पष्ट रूप से शिक्षा देती है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ हम इस संसार में नहीं जुटना है। ज्योति अंधियारे को ग्रहण नहीं कर सकती है, क्योंकि विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं, कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए हमें उन लोगों के बीच से निकलना है जो लोग अविश्वासी हैं, जो सब त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम अशुद्ध वस्तु को नहीं छू सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर को स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि अब हम मसीह में हैं तो हमारा चाल चलन भी बदल जाए। पहला पत्रस 4 के अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। वचन में साफ लिखा है, हम भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं बिताना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। जैसा लिखा है पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 वचन में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, साफ बता रहा है मेरे प्रियो, हमें संसार से और जो संसार में वस्तुएं हैं, जो सब त्यौहार मनाते हैं, जैसे सब त्यौहार हो गए तो हमें संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है, प्रेम ना करो। देखिए, हमें संसार से अलग रहना है, एक पवित्रता का जीवन बिताना है, क्योंकि हम रक्षाबंधन बनाकर स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। परमेश्वर आपका जीवन देखता है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा, जो निष्कलंक होगा वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए, वरना अगर आप यहाँ रह गए तो उसे कोई दोबारा लेने नहीं आएगा, उसकी कोई दोबारा पुकार नहीं सुनेगा, तब उसको यहीं पर तड़पना पड़ेगा 7 साल के लिए। यहाँ भी चैन नहीं मिलेगा, और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट उसको परमेश्वर वही शरीर पहना के न्याय करके परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा।
समय थोड़ा बचा हुआ है, समय थोड़ा बचा हुआ है, मन फिरा लो वरना यही मस्ती आपको दिन नरक में लेकर चली जाएगी। छोड़ दो ये गंदी लते, छोड़ दो सांसारिक जीवन बिताना, छोड़ दो सब त्यौहार, लौट आओ परमेश्वर के पास, लौट आओ यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह आपको माफ़ कर देगा। आस लगाए बैठा है परमेश्वर की मेरा बेटा आप सुधर जाएगा, मेरा बेटा आप सुधर जाएगा। समय रहते हुए अगर आप यीशु मसीह के पास लौट कर नहीं आए तो यही मस्ती आपको एक दिन नर्क में लेकर चली जाएगी, नर्क में लेकर चली जाएगी। आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और सिर्फ पवित्र लोग ही यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे। परमेश्वर एक पापी से प्रेम करता है मगर पाप सेवा बहुत नफरत करता है, पाप सेवा हजारों किलोमीटर दूर रहता है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें, क्या पता एक शेयर से लाखों करोड़ आत्माएं बढ़ सकती हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, गुड लक।